जी करदा अज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा खाने में चलते कराऊंगे उनकी बिरयानी खत्म हो गई है। मेरी रेपिटेशन का जरा भी ख्याल नहीं आया। मेरा बेटा हवालात के पीछे? मैंने जान के अच्छा, I'm sorry, I'm really sorry। तुमने लड़की किडनैप की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खानदान की इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? मैंने जान पूछ के थोड़ी की है मॉम, मुझे लगा वो शर्फू की बेटी है यार। शर्फू तुम्हारा मामा लगता है क्या? लड़की भाग गई थी तो चुपचाप वहां बैठे रहते। ये लड़की है कौन? कौन है ये नवाब साथी जिसकी वजह से तुम हवालात के पीछे बैठे हुए हो? ओम, ये तो आपने पता करना प्लीज। ओम, वो इतनी खूबसूरत लड़की है कि अगर आप देखेंगी ना तो आप कहेंगी कि आपने जो लड़की देखी है वो कैंसर, यही बनेगी आपकी बहू। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ओम, वो है ही ऐसी, मैं आपको क्या बताऊं, आई स्वेयर यही है आपकी बहू। जिस लड़की की वजह से तुम यहाँ तक पहुंच गए हो उसके लिए तुम पागल हो रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम देखना मैं उस लड़की के साथ करती क्या हूं। उसने मुझ पर दाग लगाने की कोशिश की है, उस दो टके की लड़की ने। इतने क्रिमिनल माइंडेड है वो, अब देखना मैं करती क्या हूं। सारा जमाना देखेगा। जो हो गया उसको भूल जाए, अब इसका कोई फायदा नहीं है यार। तुम देखना कि मैं कैसी कानूनी जंग लड़ती हूँ, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। जो दूसरों को कानून दिखाती है उसका अपना ही बेटा सलाखों के पीछे। ओके ओके ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। ओके बात सुने, मुझे अपने बेटे की जमानत करानी है,
वैसे इसकी आपने इतनी जल्दी एफआईआर कैसे काट दी? वो जी ऊपर से प्रेशर ही बहुत था, अब आपको इसकी जमानत करवानी पड़ेगी कोर्ट से। या खुदाया, सब लड़की के साथ मिले हुए हैं, आज तो सैटरडे है, जमानत तो मंडे तक हो पाएगी। औजर, औजर, मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा बस नहीं चल रहा कि मॉम, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए ना, मैंने मंडे तक गुजारना इधर टाइम, आपने तो नहीं, लेकिन मुझे कोई टेंशन है, आई एम रिलैक्स्ड, राइट? आप भी प्लीज डोंट वरी, आई एम ओके, एक दिन की बात है। हाजर, मैंने उन लड़की वालों को टाइम दे रखा है, क्या कहूंगी मैं उन लोगों से जाकर के, एक एक मिसेस खटक मशहूर लॉयर का बेटा सलाखों के पीछे? मॉम, मैं सलाखों के पीछे हूँ और आपको अपनी पड़ी, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मॉम बकवास बंद करो अपनी और अपनी गलती का ना मजा चखो यहीं पर बैठ के। मैंने लोगों से कमिटमेंट कर लिया, मैं उनके पास जा रही हूँ, मैं किसी सूरत इतनी अच्छी लड़की को मिस नहीं कर सकती। अब सुनो आजर, तुम ना एक बार उसकी ना तस्वीर देख लो तो ना तुम्हारी ना रातों की नींदें उड़ जाएंगी। नींद मुझे वैसे नहीं आएगी, मैं हवालात में बंद हूँ, ये गर्मी देखी आपने, मच्छर देखे, ऊपर से आप ये, आप एक काम करें, आप जाएं अपनी कमिटमेंट्स निभाएं उन लड़की वालों के साथ, आपको कोई परवाह है मैं हूं कहां? आपको अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है, आप अपनी ना जबान का पास रखें जाके। आज़र, मुझे तुमसे ज्यादा उस लड़की पे गुस्सा आ रहा है जिसने तुम पर गलत इल्जाम लगाकर तुम्हें यहां तक, क्या करूं मैं? अगर वो मेरे सामने आ जाएगी ना, कसम से मैं उसका खून पी जाऊंगी। ला उसका फोन नंबर मिलाकर दो मुझे, मैं से बात करती हूं। मेरे पास नहीं, अंदर होगा, उनसे लीजिए ना नंबर। माँ ज्यादा कुछ ना कहिएगा प्लीज। शट अप, देखना मैं मंडे को जब उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाऊंगी ना, कैसे नाक रगड़ती हुई यहाँ आएगी। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी है, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम्हारे दिल की तो ऐसी की तैसी।